हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके रिक्वायरमेंट, आपके सजेशंस लगातार मुझे मिलते रहते हैं। मुझे एक अलग ही तरीके की एनर्जी मिलती रहती है। दोस्तों, मेरे किसी भाई ने पूछा है कि कॉल सेंटर्स की जॉब क्या होती है, कैसे लोग वहां पे जॉब करते हैं, किस तरीके के कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स में एक्चुअली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने कॉल सेंटर्स क्या होते हैं। कॉल सेंटर्स पहले हम समझ लेते हैं। जैसे नाम से समझ है, कॉल मतलब जो हम फोन कॉल करते हैं कुछ वैसा ही, सेंटर मतलब एक सेंटर, एक लोकेशन जहां पे लोग बैठते हैं अपनी कॉलिंग को करते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिना रिक्वायरमेंट के कॉल सेंटर आ नहीं गए। दोस्तों, रिक्वायरमेंट होती है, बट ऑब्वियसली देखिए, आप सोचिए, आपने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जिसके अंदर बनाया आपने छोटा सा एक मोबाइल, ठीक है। अब उस मोबाइल को आपने सेल कर दिया मार्केट में। सेल करने के बाद में कुछ मोबाइल्स के अंदर फीचर्स होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी यूजर जिसने वो प्रोडक्ट आपका परचेज किया, वो कहाँ जाए, वो किसको कॉल करके उस फीचर के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में किससे पूछे। तो दोस्तों, उस चीज को कम करने के लिए, उस चीज का सपोर्ट देने के लिए ये कॉल सेंटर सेटअप किए जाते हैं। ये कॉल सेंटर्स क्या होता है, एक लोकेशन होती है, एक ऑफिस होता है जिसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स या डेस्क बनी होती है, जिन डेस्क पे फोन लगे होते हैं। उन फोन पर वो कॉल जो है रिसीव होती है, कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया से या पूरे ग्लोब से बात करें तो पूरी दुनिया से, वो कहीं से भी आपको फोन करते हैं। आप उस फोन को पिक करते हैं, यूजर का नाम, उसकी डिटेल लेते हैं, उसकी परेशानी समझते हैं और अपने पास दिए गए मेन्यू जिसके अंदर हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है उससे देख करके उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसका टिकट अपने पास टोकन के तरीके से रेज करके उसको फॉलो अप कॉल भेजते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का, सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी कुछ भी काम हो सकता है जो आप करते हो, उसके सपोर्ट के लिए, उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर आप कोई सेटअप करते हो जहां कॉलिंग से आप दूसरे को हेल्प कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कॉल सेंटर। अब हमारे यहां पर इतने कॉल सेंटर्स क्यों होते हैं, बाहर क्यों नहीं होते भाई इतने कॉल सेंटर। हमारे यहां पर कॉल सेंटर इसलिए ज्यादा होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो लेबर चार्ज है, जो लेबर मिलती है, लेबर मतलब हम और आप लोग, जो काम करने वाले लोग मिलते हैं, वो दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट पर मिल जाते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो दो टाइप के मेरे कॉल सेंटर होते हैं, जैसा मैंने बोर्ड पे पॉइंट नंबर 2 में भी पूछा है कि कितने टाइप के मेरे कॉल सेंटर होते हैं, दो टाइप के मेरे कॉल सेंटर होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। दोनों टाइप के कॉल सेंटर्स इंडिया में ही अपना हब या कॉल सेंटर बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि यहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। यहां पर कम कॉस्ट में ही ज्यादा काम करने वाली लेबर आपको अवेलेबल हो जाती है, कैंडिडेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। साथ में यहां पर जॉब का इतना क्रंच है, जॉब की इतनी मारामारी है कि जब आप और हम कॉलेज पास आउट करके या अपनी ग्रेजुएशन करके या अपनी डिग्री कंप्लीट करके और ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं होता और बाहर आते हैं, तो ये समाज, ये दुनिया, ये घर वाले, ये रिलेटिव्स, ये दोस्त, ये फैमिली सब आपको घर में बैठा हुआ देखना नहीं चाहते। आपके ऊपर मेंटली एक ऐसा प्रेशर हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब करना मैंडेटरी सा बन जाता है। तो आप इस वजह से, तीसरा पॉइंट जो है कि आपने कैसे ज्वाइन कर लिया कॉल सेंटर, ये तीसरा पॉइंट तब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। इस सारी दुनिया के डर से, उनके जवाब देने के डर से, उनको, उनसे बचने के डर से आप ज्वाइन करते हो कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर गलत भी नहीं है। देखिए, जिसने बिना किसी मोटिव के ग्रेजुएशन किया है, बिना किसी अपने फ्यूचरिस्टिक विजन को रखते हुए कुछ अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉल सेंटर में है या किसी और दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसने अपना विजन ही नहीं रखा है। तो कॉल सेंटर में भी जो जॉब करते हैं, ऐसा नहीं वो गलत है या बेकार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अच्छा कर रहे हैं। बट कई बार आप, जिसका विजन भी है, जिसने डिग्री लिया है, एक प्रॉपर स्ट्रीम से लिया है, उसका विजन, उसको कहीं और जाना है, उसे कुछ और करना है, वो इस दुनिया के डर से कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेता है। क्यों?
क्योंकि उसको घर पर नहीं दिखना है, घर पे दिखेगा तो पड़ोसी भी, घर वाले भी, सब लोग ये पूछेंगे कि भाई आप घर पे ही हो, आप कहीं नौकरी नहीं करते। इस डर से वो कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। कॉल सेंटर ज्वाइन करके, क्योंकि पैसा वहां पे अच्छा मिलता है स्टार्टिंग में ही, तो उनको वो जॉब अच्छी भी लगने लगती है। तो जिस बंदे ने एक विजन के साथ, एक एम के साथ अपनी ग्रेजुएशन या अपनी डिग्री कंप्लीट की, वो बंदा अगर कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसने अपना करियर स्पॉइल कर लिया है। वो उसमें जिसके लिए वो बना ही नहीं था वहां पे जाके परफॉर्म करता है, और कॉल सेंटर की जॉब उसकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब भी कर देते हैं। क्योंकि कई बार इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के अंदर आपकी बायो क्लॉक भी डिस्टर्ब होती है, आपकी ऑफिस टाइमिंग्स नाइट शिफ्ट की होती है, आप डे शिफ्ट में सोते हो, नाइट शिफ्ट में ऑफिस जाते हो, सारी दुनिया से आपका कनेक्शन पूरी तरह से कट जाता है। अब किसी को करियर ही कॉल सेंटर में बनाना है तो उसके लिए परफेक्ट जॉब है। जिसने ग्रेजुएशन बिना मोटिव के, बिना किसी एम के करी है, उसके लिए भी ठीक है कि भाई पैसे कमा रहा है, ग्रेजुएशन कर लिया, घर में नहीं है। बट जिसने मैकेनिकल से, केमिकल से, या आईटी से, या कंप्यूटर से, या इलेक्ट्रॉनिक से, या किसी प्रॉपर सिविल से, किसी भी एक स्ट्रीम से अपनी डिग्री या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसका एक एम है, इसीलिए उसने वो स्ट्रीम चूज की थी, और समाज के डर से वो कॉल सेंटर में या कहीं ऐसी जगह चला गया जहां पर इस तरीके की उसकी नॉन डोमेन की जॉब है, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने करियर को स्पॉइल करना स्टार्ट कर देता है। और कई बार उसको इस चीज की आदत भी लग जाती है, क्योंकि वहां से अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, उसको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, वो भी अच्छे खासे। सो दोस्तों, ये कॉल सेंटर की लाइफ है, ये कॉल सेंटर की जॉब है। तो आपने बखूबी मेरे ख्याल से कॉल सेंटर को समझ लिया होगा, क्यों जरूरत होती है कॉल सेंटर्स की, क्यों सबसे ज्यादा इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं, कैसे आप कॉल सेंटर में पहुंच जाते हो, कितने टाइप के कॉल सेंटर होते हैं। तो अगर ये कॉल सेंटर का फंडा या पूरा का पूरा डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो इस टर्म को समझना चाहते हैं, और मेरे इस काम को, मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में मैं हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों अपने कमेंट्स में इसी तरीके से मुझे सजेस्ट करते रहिए, अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते रहिए, और मेरी गलतियां भी मुझे बताते रहिए। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल का, व्लॉग चैनल का लिंक दिया है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।